अस्सलाम वालेकुम टेक्निकल एहसन अनवर यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम मोबाइल पे ब्लैक बैकग्राउंड स्टेटस कैसे बना सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ है। तो इस व्हाट्सएप स्टेटस को बनाने के लिए आपको दो ऐप्स की ज़रूरत होगी, जो आपके मेरे यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे भी नज़र आ रही है, एक क्विक ऐप और दूसरी काइन मास्टर। तो अभी हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले क्विक ऐप जो है वो ओपन कर लेंगे। क्विक ऐप ओपन करने के बाद आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड होंगी, एक तो आपके पास 30 सेकंड्स का या जितने सेकंड्स का आप स्टेटस बनाना चाह रहे हैं आपके पास वो होना लाजमी है, वो भी ऑडियो की सूरत में MP3 फॉर्मेट में। तो यहाँ से हम क्रिएट अ न्यू वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्रिएट अ न्यू वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपने SS को अलाउ कर देना है। तो यहाँ से आपने एक कोई भी कैजुअली पिक उठा लेनी है, तो मैं यहाँ से एक ये पिक उठा लेता हूँ। ये बाद में आपने काइन मास्टर में कट कर देनी है, ये बाद की बात है, मैं तब आपको काइन मास्टर में जाके बताऊँगा। तो यहाँ पे स्किप कर दें इसको भी, टाइटल को भी। तो ये आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है टाइप में। आने के बाद आपने ये जो बैकग्राउंड है आपने ये चेंज कर लेना है। इसका सबसे पहले आपने वाटरमार्क ऑफ कर लेना है। वाटरमार्क ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको पैलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इसको आपने दूसरे नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप दूसरे नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी ऑडियो उठानी है। अब ऑडियो कैसे उठानी है, ये दूसरे नंबर पे आपने चले जाना है म्यूज़िक, और यहाँ पे लिखा माय म्यूज़िक में। अब ये मैंने फ़र्ज़ करें मैंने ये ऑडियो उठानी है और इसी पे मैंने बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा लूँगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, पेन का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, अब आपको यहाँ पे पेन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैंने पेन सेलेक्ट किया। आपको यहाँ से आप लेआउट भी इसकी चेंज कर सकते हैं, लेआउट आप यहाँ पे जो मर्ज़ी करना चाहें। लेआउट यहाँ पे आप 16:9 के भी ले सकते हैं, 9:16 के भी ले सकते हैं, और फुल स्क्रीन भी ले सकते हैं, या 1:1 के भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1:1 के ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे जो लिरिक्स हैं वो क्या है जी, काका ज़रा मेरे कोलों बच, यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर देना आपने। एक है कैप्शन, एक है टाइटल, आपने टाइटल पे क्लिक कर देना। टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आगे वो कह रहा है कि तू कल दी छिपकली मैं मगरमच्छ, तो अब हम यहाँ पे वो टाइप कर लेते हैं। अब ये देखें, अब ऑडियो आपकी गुजर चुकी है, ऑडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसका ड्यूरेशन हम सेट कर लेते हैं, ड्यूरेशन इसका हम सेट कर लेते हैं। अब ये देखें, अब आपका जो है वो लिरिक्स बाद में आए हैं, हालांकि आपकी ऑडियो गुजर चुकी है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे इसका ड्यूरेशन नॉर्मल कर लेंगे, इसको जाके आप एडिट करेंगे, इसको आप जाके करेंगे काइन मास्टर में एडिट। यहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इसको मैं आपको ब्लैक करके दिखाता हूँ। और चलते हैं, अब हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। आपने सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेव विदाउट शेयरिंग, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको काइन मास्टर में चले जाना है, आपने काइन मास्टर में जाके इसका जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर देना है। अब काइन मास्टर में कैसे आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, अब हम काइन मास्टर में चले जाते हैं। मास्टर में क्विक ऐप का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो आपको रियल जो ऐप है जिस ऐप से मैं बना रहा हूं, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, ये आपको जो है वो क्रोम से मिलेगी। तो यहां से हम प्लस पे ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पे 1:1 सेलेक्ट कर लेते हैं। 1:1 सेलेक्ट करने के बाद जो हमने क्विक ऐप में जो एक्सपोर्ट की थी, हम वो वीडियो यहाँ से उठा लेते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका आपने वो चेंज कर लेना है बैकग्राउंड।
कलर फिल्टर्स में आना है, कलर फिल्टर्स में आने के बाद हमने बेसिक में आना है, बेसिक में आने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। और ये देखें हमारा ये जो है ब्लैक बैकग्राउंड हो चुका है। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लेना है स्टार्ट से भी। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, इसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है ताकि आपकी जो है वो जिसे अभी मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई तो जो आवाज़ की स्पीड थी वो बढ़ गई, तो जो काफ़ी बुरा लगेगा। अब बच यहाँ पे हमारा फिक्रा ख़त्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा और लेकिन लिरिक्स को आगे बढ़ा लूँगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं लिरिक्स को बढ़ा रहा हूँ। ये लिरिक्स हमारे मुकम्मल हो गए। अब यहाँ से हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। अब ये देखें, अब इसकी एक परसेंट हम स्पीड और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे आगे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि तू कल दी छिपकली ते मैं मगरमच्छ। ये इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा लें। अब हमारा मगरमच्छ पे यहाँ पे हमारा फिक्रा ख़त्म हो रहा है लेकिन अभी जो हमारे लिरिक्स हैं वो नहीं आए सामने। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेंगे यहीं पे जहाँ पे हमारा जो है वो ऑडियो ख़त्म हो रहा है। अब ये मैंने यहाँ पे इसको ख़त्म कर लिया। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है वो आगे वालों को ये देखें, जो हमारी व्हाट्सअप की जो तस्वीर आ रही थी जो हमने सेलेक्ट की थी वो हमने यहाँ से डिलीट कर देनी है और यहाँ पर हम वापस आएँगे अपने लिरिक्स में। अब यहाँ पर हमारा जो है वो लिरिक्स बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। ये हमारे लिरिक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे थे, यहाँ से मैं इसको स्पीड को बढ़ा लूँगा और अब देखते हैं कि क्या वाकई हमारा जो है वो स्टेटस सही से बन गया है। फिर मैं इसके बाद आपको यहाँ पे तस्वीर लगाना भी सिखाऊंगा कि आप तस्वीर कैसे अपने इसी को इन्हीं लिरिक्स को आप अपनी तस्वीर पे कैसे सेट कर सकते हैं। ये देखें, अब हमारे लिरिक्स भी बिल्कुल इक्वल हो गए हैं और हमारा जो बैकग्राउंड साउंड हमने लिया था वो भी बिल्कुल इक्वल हो चुका है। और ये अब हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अच्छी क्वालिटी में भी कर सकते हैं, लो क्वालिटी में भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है, अब मैं आपको पिक लगा के दिखाता हूँ आप अपनी इन्हीं बैकग्राउंड को आप अपनी पिक पे कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं वन मंथ की फिर जो है वो न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर लेता हूँ और यहाँ से अपनी एक तस्वीर उठा लेता हूँ। पिक मैंने चूज़ कर ली अपनी वन की है, मेरी पिक वन की है। तो यहाँ से मैं लेयर में जाऊँगा, लेयर में जाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्सपोर्ट में जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट की थी तो यहाँ पर ला इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखें, अब तस्वीर तो हमारी नीचे है लेकिन जो है हमारे तस्वीर लेकिन शो नहीं हो रही। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जाना है ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे जाना है स्क्रीन पे और ये देखें, स्क्रीन पे जाते ही हमारे जो हैं वो लिरिक्स के ऊपर आ गए हैं। अब ये हमारे लिरिक्स भी इस पर सेट हो गए हैं। तो यहाँ से मैं अगर इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो हमारा जो है व्हाट्सएप स्टेटस बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही अमेजिंग अपडेट्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।